बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर्स में से एक गिने जाते हैं डेविड धवन, जिन्होंने अब तक बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में डायरेक्ट की हैं। और अपनी इन फिल्मों के डायरेक्शन के चलते डेविड धवन ने अपनी खास पहचान बना रखी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज है 16 अगस्त और आज के दिन डेविड धवन हो चुके हैं पूरे 65 साल के। साथ ही साथ आपको बता दें कि डेविड का असली नाम है राजेंद्र धवन, वहीं डेविड के भाई हैं एक्टर अनिल धवन। डेविड ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से, और इसी इंस्टीट्यूट से डेविड धवन ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर इसके बाद डेविड धवन ने फिल्मों की दुनिया में खास पहचान बना ली। जहां एक ओर डेविड धवन अपनी डायरेक्शन के चलते जाने जाते हैं, तो वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब डेविड धवन विवादों से घिरते हुए नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डेविड धवन ने अब तक बॉलीवुड के कई पॉपुलर स्टार्स के साथ काम किया है। वहीं इसी लिस्ट में नाम आता है बॉलीवुड के फेमस स्टार गोविंदा का। डेविड धवन और गोविंदा ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वहीं गोविंदा ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर डेविड धवन के साथ करीब 17 फिल्मों में काम किया। दोनों एक दूसरे से बेहद अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते थे, लेकिन देखा जाए तो धीरे धीरे ये रिश्ता खराब होता हुआ भी नजर आया। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, ये आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें की थी, साथ ही साथ यहां पर डेविड धवन के बेटे वरुण धवन से जोड़कर एक स्टेटमेंट दिया था। गोविंदा ने कहा था कि वो मुझे इस तरह का सवाल तब पूछने लायक होंगे जब वे अपने बेटे के साथ करीब 17 फिल्में करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे उनके साथ 17 फिल्में करेंगे, क्योंकि वो डेविड धवन का बेटा है, वो पढ़ा लिखा है। किसी कलाकार के साथ 17 फिल्में करने का क्या मतलब होता है, ये मुझे नहीं पता था। मुझे तो संजय दत्त ने कहा था कि पंजाबी है आ रहा है, और उस समय जितने भी पंजाबी कहां कहां से आते थे तो मैं उन्हें काम दे दिया करता था। उन्हीं में से डेविड धवन भी आए थे, वो मुझे अच्छे लगे, मुझे लगा कि इनके साथ बहुत सारी फिल्में हिट दे सकता हूं, मैंने सोचा कि चलो काम करते हैं। वहीं गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में डेविड धवन के साथ रिश्ते को लेकर भी खुलासा किया। गोविंदा कहते हुए नजर आए कि मैंने उनके साथ जैसा रिश्ता निभाया है वैसा तो मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ भी नहीं कर पाया। मेरे भाई डायरेक्टर हैं, मैं अभी तक उनके साथ 17 फिल्में नहीं कर पाया, अब ये क्या अपेक्षा कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जिस वक्त मैं उनके साथ 17 फिल्में कर चुका था तो मैंने उन्हें चश्मे बद्दूर का सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने वो ऋषि कपूर के साथ शुरू कर दी। जब शूटिंग हो रही थी तब मैंने उन्हें डांट लगाने के लिए फोन किया। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोविंदा आगे कहते हुए नजर आए कि वो मुझे बोले कि तुम सुनो तो सही कि मैं कैसे ये फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्यों जानूं कि तुम क्या कर रहे हो, पहले हाँ तो करता, मुझे कुछ कहा भी नहीं, सब्जेक्ट भी उठा लिया। वहीं आगे गोविंदा ने बताया कि आखिरकार दोनों के बीच बातचीत कैसे बंद हुई। गोविंदा कहते हुए नजर आए कि राजनीति से निकलने के बाद मैं थोड़ा सा बदल गया था, तब मेरे सेक्रेटरी डेविड धवन के साथ थे और मैंने उनसे कहा था कि फोन स्पीकर पर रखना, जो भी डेविड कहें मुझे खुद सुनना है, मैं खुद सुनना चाहता हूं। और उस वक्त डेविड कह रहे थे कि चीची बहुत सवाल पूछने लग गया है, इतने सवाल कि मेरा दिल नहीं है उसके साथ काम करूं, उसे बोलो कहीं छोटा मोटा रोल मिल जाए तो कर ले। तब मेरा दिल टूट गया और मैंने कुछ महीनों के लिए उनसे बात नहीं की थी। और इस तरीके से गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में ये तमाम खुलासे किए डेविड धवन के साथ बिगड़े रिश्ते को लेकर। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से डेविड धवन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।